हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फैंटेसी टीम। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं श्रीलंका विशेष साउथ अफ्रीका के बारे में। दोनों की परफॉर्मेंस जो है इस वर्ल्ड कप कुछ खास अच्छी नहीं रही है, और ये मैच जो है श्रीलंका के लिए डू और डाई मैच है। अगर सेमीफाइनल में इनको क्वालिफाई करना है तो ये मैच जीतना ज़रूरी है और बाकी के मैच भी जीतना ज़रूरी है। वहीं पर आपको पता ही है साउथ अफ्रीका जो है इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। बस एक या दो मैच है इनके पास जो वो खेल के जो है यहाँ से चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं इस मैच की। मैं आपको जो है ग्रैंड लीग की टीम प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि इस मैच की जो है ग्रैंड लीग टीम बनाना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, मुझे पता है। इसलिए मैं ये सबसे मुश्किल काम मैं आपके लिए ये करने वाला हूँ और आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ श्रीलंका विजय साउथ अफ्रीका के बीच में जो ग्रैंड लीग की टीम होने वाली है, ग्रैंड जो मैच होने वाली है उनकी जो है ग्रैंड लीग की टीम, और उसके साथ आप क्या कॉम्बिनेशन बना के अपनी टीम में खेल सकते हो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप अगर माई एलेवन सर्कल नहीं खेलते तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ सौरव गांगुली की टीम को बीट करना है और आप जो है यहाँ पे 5 times जो है यहाँ पे विन कर सकते हो। बहुत ही जेन्युइन एप्लीकेशन है ये, जो है बिल्कुल विड्रॉ भी देता है। अभी मेरे यहाँ पे अकाउंट बैलेंस देख सकते हो, मैं यहाँ पे जो है रेगुलर खेलता हूँ तो मैं आपको यहाँ पे गारंटी दे सकता हूँ। और बहुत सारे अच्छे ऑफर्स भी चल रहे हैं, आप यहाँ से जो है अप टू जो है यहाँ पे 1 crore जो है अगर आप रेगुलर यानी 5 times अगर सौरव गांगुली की टीम को बीट करोगे तो आप जो है 1 crore तक जो है जीत सकते हो, जो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएंगी। तो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। तो बात कर लेते हैं आप मैच के बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको कैसे डाउनलोड करना है जैसे मैं आपको फिर से बता दूँ, तो आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, ठीक है। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, लॉगिन कर लो, अपना बेसिक सा ऐप को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आपको बस बेसिक सा डिटेल्स देके डाउनलोड कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको पैसे खुद से ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐप में इतना अच्छा ऑफर चल रहा है, आप 10 rupees देके 50 rupees यहाँ पे आसानी से जीत सकते हो। तो आपको पैसा खुद से जो है यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोनों टीमों की न्यूज़ के बारे में पहले, तो यहाँ पे मैं आपको प्लेइंग 11 जो है मेरे वहाँ पे बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ न्यूज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो साउथ अफ्रीका जो है कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे जेपी डुमिनी, ड्वेन पेट्रियस, रेजा हेंड्रिक जो है इनको जो शायद गेम मौका मिल सकता है। वहीं पर जो है मकरम जो है यहाँ पर जो है उनको बाहर बैठा सकता है, वो लोग मैक्रम को जो है बाहर बैठा सकते हैं और जेपी डुमिनी को खिलाने के लिए। वहीं पे श्रीलंका ने लास्ट मैच पे जो है इंग्लैंड को हराया है, और इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप की एक फेवरेट टीमों में से थी, तो आप लोग समझ ही सकते हो कि श्रीलंका कोई भी चेंजेस इस मैच के लिए नहीं करने वाली होगी। सो सबसे पहले मैं आपको जो है यहाँ पे ड्रीम 11 पे जो है ग्रैंड लीग की टीम दे दूंगा आपको, ताकि आप लोग ग्रैंड लीग जो लोग खेलते हो आप लोग वो वीडियो देख के फ़ायदा उठा सकते हो। और जो लोग माई 11 सर्कल खेलते हो या फिर आप लोग डाउनलोड करके अगर खेलने वाले हो, तो मैं आपको एक टीम दे दूंगा माई 11 सर्कल की, जिस पे आप सौरव गांगुली को जो है बहुत ही आसानी से बीट कर सकते हो, और आप जो है 50 rupees तक जो है आसानी से यहाँ पे आप यहाँ पे जो है अर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीम के बारे में, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक टीम बनाया है, तो ये डेमो टीम है। तो सबसे पहले ग्रैंड लीग की हम लोग बात करें तो साउथ अफ्रीका के जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है उनमें से सारे के सारे जो है साउथ अफ्रीका और यहाँ पे श्रीलंका के दो इम्पोर्टेंट प्लेयर है, सारे के सारे जो है विकेट कीपर सेशन पे यहाँ पे दिया हुआ है। तो डिकॉक परेरा और मैथ्यू कुशाल मेंडिस को मैंने यहाँ पे लिया है ड्रीम 11 टीम में, ठीक है। तो ये तीनों ही बहुत ही अच्छे प्लेयर है, हालांकि आप कह सकते हो कुशाल परेरा जो एक अटैकिंग बैट्समैन है, अच्छे खासे फॉर्म में भी दिखे हैं, और अभी तक हालांकि कुछ खास अच्छे बड़े इनिंग नहीं खेले लेकिन खेल सकते हैं। वहीं पे आप तो डिकॉक को जो है ड्रॉप नहीं कर सकते, ये अच्छे खासा पॉइंट आपको हर मैच पे देते ही रहते हैं। वहीं पे हमारे लिए यहाँ पे एक्स फैक्टर के लिए काम करेंगे कुशाल मेंडिस, सही है। वहीं पे बैट्समैन के मैंने यहाँ पे सिर्फ ग्रैंड लीग क्योंकि मैं टीम बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे फैब डुप्लेसी, वेंडर डुसेन और अविस्का फर्नांडो को लिया हुआ है। आप एक काम कर सकते हो, आप फर्नांडो की जगह यहाँ पे जो है आप अमला या फिर मैथ्यूज को ले सकते हो, अगर आप क्रेडिट मेंटेन कर पा रहे हो तो। इसके अलावा ऑलराउंडर की बात करें तो मैंने यहाँ पे मॉडिस और यहाँ पे डिसिल्वा को लिया हुआ है।
आप चाहें तो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, लेकिन मैंने कुछ ऐसे प्लेयर को यहाँ पे लिया है जो कि अभी तक इस वर्ल्ड कप में जो है अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिया है उन इंडिविजुअल ने। हालांकि उतना अच्छा पॉइंट नहीं मिला है, लेकिन उनका गेंदबाजी या फिर बैटिंग उन्होंने अच्छी की है। हालांकि ज़्यादा स्कोर नहीं किया है, लेकिन अच्छी खासी बॉलिंग की है। जैसे मॉरिस ने अच्छी खासी बॉलिंग की है, लेकिन उतना ज़्यादा उनको विकेट नहीं मिला है। यहाँ पे डिसिल्वा एक बहुत ही अच्छे एक ऑलराउंडर है, जिन्होंने लास्ट मैच पे हालांकि अच्छा परफॉर्म किया था, और इस मैच में भी मैंने उनको लिया हुआ है। आप उनको जगह यहाँ पे जो है यहाँ पे जेपी डुमिनी को ट्राई कर सकते हो, अगर जेपी डुमिनी कल के मैच में खेलते हैं अगर टॉस के बाद आपको पता चलता है। वहीं पर हम लोग बात करते हैं मलिंगा की, तो मलिंगा को मैंने यहाँ पर लिया है, ताहिर को लिया है, और यहाँ पर मैंने रबाडा को लिया है। अगर आप मैथ्यूज़ या फिर करुणानंदने को चाहते हो तो आपको ताहिर को ड्रॉप करके आप यहाँ पे लुंगी इंगिरी को ले सकते हो। वहीं पे जो है अगर किसी और को यहाँ पे अगर खिलाते हैं, जैसे ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे हेनरिक्स को शायद खिला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे नुवन प्रदीप को अपनी टीम में रख सकते हो, जो कि श्रीलंका लिए अच्छे खासी जो है गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब जब मैं आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पूरी तरीके से टीम बना चुका हूँ मैं यहाँ पे, तो अब बात कर लेते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के बारे में। तो कैप्टन टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई प्लेयर ऐसा खास नहीं लग रहा है, हालांकि मुझे एक अच्छे प्लेयर लग रहे हैं वेंडर डूसन, तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। लेकिन ये थोड़ा बीच में बैटिंग करने आते हैं तब शायद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और एक यंगस्टर प्लेयर है हालांकि ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसलिए आप इसे कैप्टन बनाने के लिए दो बार सोचोगे। तो मैंने यहाँ पे जो है कंगिसु रबाडा को यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, और अभी तक वर्ल्ड कप में इनका परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं रहा है, तो हम लोग होप करेंगे इस मैच पे जो है ये बहुत ही अच्छे परफॉर्म करेंगे, और हम लोग शायद इस मैच पे जो है ग्रैंड लीग भी जीत सकते हैं। वहीं पे मैंने वाइस कैप्टन यहाँ पे जो है फैब्रुब्लिसी को लिया हुआ है, जो कि अभी तक सारे मैच में अच्छी खासी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन बड़ा स्कोर जो है अभी तक इन्होंने नहीं बनाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं माई इलेवन सर्कल की टीम, जिस पे आप ज़्यादा यानी सौरभ गांगुली को बीट करके जो है यहाँ पे 5 times ज़्यादा यहाँ पे अर्न कर सकते हो। तो लगभग यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस की हुए हैं मैंने यहाँ पे वाइस कैप्टन, मैंने यहाँ पे क्विंटन डिकॉक को बनाया है कैप्टन, यहाँ पे फैब्रुब्लिसी को बनाया है, यहाँ पे मैंने करुणानंदने, वेंडर डूसन, एंजेलो मैथ्यूज, कुशल मेंडिस, फुकली वायो, और यहाँ पे मैंने क्रिस मॉरेस, लसित मलिंगा, रवाडा, और यहाँ पे मैंने लुंगी इंगिरी को लिया हुआ है। आप चाहें थोड़ी बहुत अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो टॉस के बाद। और इस वीडियो में इतना ही, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।